गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉक्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी टू बी मेजर्ड जनरली बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल एग्जाम्पल वोल्ट मीटर अमीटर वॉट मीटर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी मेजर कर करी जा रही है उसका मैग्नीट्यूड एक पॉइंटर द्वारा कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है फॉर एग्जाम्पल अमीटर वोल्ट मीटर एक्सेट्रा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऑपरेशन के लिए हमें तीन तरह के टॉक्स की आवश्यकता होती है इन तीन टॉक्स तो, को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तीन तरह के मैकेनिज़्म होते हैं इन डिफ्लेक्टिंग मैकेनिज्म कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एंड डैम्पिंग डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या डिफ्लेक्टिंग मैकेनिज्म डिफ्लेक्टिंग टॉक प्रोड्यूस करता है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कंट्रोलिंग टॉक प्रोड्यूस करता है और डैम्पिंग मैकेनिज्म डैम्पिंग टॉक प्रोड्यूस करता है डिफ्लेक्शन सिस्टम डिफ्लेक्शन सिस्टम इज़ दैट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म विच यूटिलाइज सम फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और वोल्टेज टू प्रोड्यूस अ मैकेनिकल फोर्स दिस डिफ्लेक्शन और फोर्स कॉजिज द सिस्टम अलॉन्ग विद द पॉइंटर अटैच टू इट टू मूव फ्रॉम इट्स जीरो पोजिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी टू बी मेजर्ड डिफ्लेक्शन सिस्टम इंस्ट्रूमेंट मेकेनिज्म का वो पार्ट है जो इलेक्ट्रिक करेंट या वोल्टेज का कोई फ़िजिकल इफेक्ट यूज़ करके मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है ये फिजिकल इफ़ेक्ट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हो सकता है हीटिंग इफेक्ट हो सकता है केमिकल इफ़ेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफ़ेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट हो सकता है इन इफ़ेक्ट्स को फर्दर जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे तब डिटेल में लेंगे अभी हम यहाँ पे ये पर ये पढ़ समझ लेते हैं कि ये फिजिकल इफ़ेक्ट जो है मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है इस मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो मूविंग सिस्टम है इंस्ट्रूमेंट का वो मूव करेगा इस मूविंग सिस्टम के साथ ही पॉइंटर लगा हुआ होता है और ये पॉइंटर मूविंग सिस्टम के मूव करने पर मूव करेगा और उसका डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा जो क्वान्टिटी मेजर करनी है उसके मैग्नीट्यूड पर अब इस मूविंग सिस्टम के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें कंट्रोलिंग टॉक की जरूरत होती है ये कंट्रोलिंग टॉक सिस्टम के अंदर कंट्रोल सिस्टम द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है इट कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच ब्रिंग्स इन टू प्ले अ फोर्स कॉल्ड कंट्रोलिंग फोर्स दिस फोर्स ओपोजेज द डिफ्लेक्शन फोर्स एंड विद द इंक्रीज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग सिस्टम टू लिमिट इट्स मूवमेंट द पॉइंटर इज ब्रॉड टू रेस्ट एट अ पोजिशन वेयर द टू अपोजिंग फोर्सेज दैट इज डिफ्लेक्शन एंड कंट्रोलिंग फोर्सेज आर इक्वल कंट्रोलिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंट्रोलिंग टॉक प्रोड्यूस करता है यह टॉक डिफ्लेक्टिंग टॉक को अपोज करता है तथा उसके इक्विबलेंट होता है इस टॉर्क के बिना पॉइंटर अपनी फाइनल पोजीशन पर रेस्ट पर नहीं आएगा और सप्लाई हटाने पर भी पॉइंटर अपनी ज़ीरो पोजीशन पर वापस नहीं आएगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉक कंट्रोलिंग टॉक के बराबर हो जाता है तो पॉइंटर रेस्ट पर आ जा फाइनल पोजिशन पर रेस्ट पर आ जाता है कंट्रोलिंग टॉक दो तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक स्प्रिंग कंट्रोल मैथड द्वारा और दूसरे ग्रेविटी कंट्रोल मैथड द्वारा पहले हम लेते हैं स्प्रिंग कंट्रोल मैथड यहाँ पे डायग्राम में वो इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर स्प्रिंग कंट्रोल से हम कंट्रोलिंग टॉक प्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर जो मूविंग सिस्टम है उसके साथ में पॉइंटर लगा हुआ है पॉइंटर जो है यहाँ पे दिखाया गया है कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर मूव करता है और पॉइंटर के दूसरी तरफ एक बैलेंस पेट लगा हुआ है स्पिंडल के दोनों तरफ ज्वेल बियरिंग्स हैं और स्पिंडल के ऊपर दो कंट्रोल स्प्रिंग्स लगी हुई हैं ये कंट्रोल स्प्रिंग्स एक ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंड करी हुई हैं और जब स्पिंडल मूव करेगा तो ये इन कंट्रोल स्प्रिंग्स के अंदर टॉर्शनल टॉक प्रोड्यूस होगा ये टॉर्शनल टॉक एंगल ऑफ़ ट्विस्ट के प्रोपोर्शनल होता है और ये टॉर्शनल टॉक ही कंट्रोलिंग टॉक है इस टॉर्शनल टॉक जो है प्रोपोर्शनल होगा एंगल ऑफ़ ट्विस्ट के या हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर के अगर थीटा पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है तो कंट्रोलिंग टॉक टी सी विल बी प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड डिफ्लेक्टिंग टॉक टी डी जो है ये प्रोपोर्शनल होगा क्वान्टिटी बिंग मेजर्ड दैट इज करेंट आई फाइनल स्टडी पोजिशन पर क्या होगा कंट्रोलिंग टॉक बराबर हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉक के या हम कह सकते हैं टी सी विल बी इक्वल टू टी डी और थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू आई यहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल क्वान्टिटी बींग मेजर्ड दफो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अंदर स्प्रिंग कंट्रोल मैथड द्वारा कंट्रोलिंग टॉक प्रोड्यूस हो रहा है स्केल जो है वो यूनिफॉर्म होगी नेक्स्ट मैथड है ग्रेविटी कंट्रोल मैथड ग्रेविटी कंट्रोल मैथड के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम एक वेट यूज कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कंट्रोलिंग टॉक इसके अंदर क्या हो रहा है कि अ स्मॉल एडजस्टेबल वेट इज़ अटैच टू द मूविंग सिस्टम इन सच अ वे दैट इन डिफ्लेक्शन कंडीशन इट प्रोड्यूस अ रेस्टोरिंग और कंट्रोलिंग टॉक डब्ल्यू वन वेट प्रोड्यूस द कंट्रोलिंग टॉक एंड डब्ल्यू टू इज फॉर बैलेंसिंग द वेट ऑफ द पॉइंटर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूविंग सिस्टम के साथ में पॉइंटर अटैचड और पॉइंटर के साथ में पॉइंटर के साथ में दो वेट्स अटैच हैं एक तो डब्ल्यू uh, वन और दूसरा डब्ल्यू टू डब्ल्यू टू जो है वो तो काउंटर uh, बैलेंस कर रहा है पॉइंटर के वेट को और डब्ल्यू वन प्रोड्यूस कर रहा है कंट्रोलिंग टॉक अगर पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है बाय एन एंगल थीटा तो जो कंट्रोलिंग टॉक है टी सी वो दिया जाएगा डब्ल्यू वन साइन थीटा इंटू एल इस इक्वेशन के अंदर डब्ल्यू वन और एल कॉन्स्टेंट हैं तो हम कह सकते हैं टी सी विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड डिफ्लेक्टिंग टॉक टी डी जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू क्वान्टिटी बिंग मेजर दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू आई फाइनली एट स्टडी पोजिशन क्या होगा टी सी विल बी इक्वल टू टी डी या हम कह सकते हैं थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू सॉरी आई विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा यहाँ पे द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विच इज़ करेंट आई इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर दैट इज साइन थीटा तो स्केल जो है फॉर ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्केल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होंगी डैम्पिंग सिस्टम Damping is that part of the instrument which provides damping force to damp the oscillations of the pointer before com coming to rest. Because of the inertia, the pointer of the instrument oscillates about its final deflected position for some time before coming to rest. This causes the waste of time in taking reading, thus, damping force acts as a brake to prevent the oscillations of the moving system and bring the pointer to its final deflected position quickly. Damping torque. डैम्पिंग टॉक पॉइंटर को फाइनल पोजीशन पर रेस्ट पर लाने के लिए ज़रूरी है अगर डैम्पिंग टॉक नहीं होगा तो पॉइंटर फाइनल पोजीशन पर आने से पहले अपने एनर्शिया की वजह से फाइनल पोजीशन पर ऑसिलेट करने के बाद रेस्ट पर आएगा किसी भी सिस्टम में तीन तरह की या सिस्टम के अंदर तीन तरह सिस्टम जो है तीन तरह से वर्क कर सकता है आइदर सिस्टम अपना क्रिटिकली डैम्ड होगा या ओवर डैम्ड होगा या अंडर डैम्ब होगा क्रिटिकली डैम्ड अगर इंस्ट्रूमेंट क्रिटिकली डैम्ड है तो बिना ऑसिलेट करे जल्दी से फाइनल पोजिशन पर आ जाएगा पॉइंटर जो है बिना ऑसिलेट करे जल्दी फाइनल पोजिशन पर आ जाएगा अगर इंस्ट्रूमेंट अंडर डैम्ब है तो पॉइंटर फाइनल पोजिशन पर आने से पहले फाइनल पोजिशन के आसपास ऑसिलेट होगा और फिर फाइनल पोजिशन पर आएगा और अगर अंडर है तो पॉइंटर धीरे धीरे फाइनल पोजिशन पर आएगा यहाँ डैम्पिंग कर्व शो किया शो किया गया है डैम्पिंग कर्व जो है डिफ्लेक्शन और टाइम के बीच का ग्राफ है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर सिस्टम अगर क्रिटिकली डैम्ड है तो जल्दी से फाइनल पोजिशन पर आ रहा है ओवर डैम्ड है तो ऑसिलेट होकर फाइनल पोजिशन पर आ रहा है और अंडर डैम्ड है तो धीरे धीरे फाइनल पोजिशन पर पहुँच रहा है डैम्पिंग टॉप तीन तरह के मैथड्स द्वारा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं एयर फ्रिक्शन और न्यूमेटिक डैम्पिंग एडी करेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग Friction damping. First method is air friction or pneumatic damping. In this system, a light aluminium piston is attached to the spindle of the instrument and is arranged to move in a fixed air chamber closed at one end. The cross section of the chamber may be either circular or rectangular, and the clearance between the piston and the side of the chamber is small and uniform compression and suction action of the piston on the air in the chamber damp the possible oscillations of the moving system because the motion of the piston in either direction is opposed by the air in second case a thin aluminium vane mounted on the spindle moves with very small clearance in a sector shaped box any tendency of the moving system to oscillate is damped by the action of the air on the vane एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के अंदर यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एक मूविंग सिस्टम के साथ में एक लाइट एल्यूमिनियम का पिस्टन लगा हुआ रहता है और यह पिस्टन एक कम क्लियरेंस वाले रेक्टेंगुलर या सर्कुलर एयर चैम्बर के अंदर मूव करता है और यह एयर चैम्बर एक तरफ से बंद होता है मूविंग सिस्टम के मूवमेंट के साथ ही यह पिस्टन एयर चैम्बर के अंदर मूव करता है जिससे एयर चैम्बर के अंदर की एयर जो है वो कंप्रेस होती है और पिस्टन के मूवमेंट को ओपोज करती है और जिससे कि जो ऑसीलेशन हैं वो डैम्प आउट हो जाते हैं इसी तरह से सेकेंड केस के अंदर इंस्टेड ऑफ पिस्टन यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की वेन है जो कि एक सेक्टर शेप चैम्बर के अंदर मूव करती है और डैम्पिंग टॉक प्रोवाइड कर रही है डैम्पिंग प्रोवाइड कर रही है सिस्टम के अंदर एडी एडिकरेंट डैम्पिंग करेंट डैम्पिंग इज़ द मोस्ट एफिशियंट टाइप ऑफ डैम्पिंग इन दिस अथिन डिस्क यूजअली ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम इज माउंटेड ऑन द स्पिडल व्हेन दिट वैन दिस डिस्क मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स आर कट एंड एडिकरेंट्स आर सेटअप द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज करेंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिंग द मोशन एंड दर फोर प्रोवाइड नेसेसरी डैम्पिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करेंट एंड दर फोर ऑफ द डैम्पिंग फोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विलोसिटी ऑफ द मूविंग सिस्टम एडिकर के अंदर अगर एक कंडक्टिंग डिस्क को हम एक हमारे पास में कंडक्टिंग मटेरियल की डिस्क है और अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को काटती है तो उसके अंदर एडिकरेंट्स प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से टॉक प्रोड्यू लेंजेज लॉ की वजह से उस पर फोर्स लगेगा और टॉक प्रोड्यूस होगा और ये फोर्स जो है अपने कॉज को ओपोज करेगा और यहाँ पर कॉज क्या है मोशन ऑफ द मूविंग सिस्टम तो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि एक मैग्नेटिक एक एल्यूमिनियम की डिस्क है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर घूमती है और जब वो घूमती है तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्स को काटती है और इस डिस्क के अंदर एडी एडीकरेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इस एडी एडिक्रेंट की वजह से उसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ये फोर्स अपने कॉज को कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ओपोज़ करेगा और कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसका मूवमेंट ऑफ स्पिंडल या मूवमेंट ऑफ द डिस्क ठीक है ना और जैसे जैसे करेंट इंड्यूस करेंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डैम्पिंग फोर्स जो है वो बढ़ेगा बिकॉज ये डिपेंड करेगा विलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ मूविंग सिस्टम पे। थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन है फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग इन दिस मैथड ऑफ डैम्पिंग अ लाइट एल्यूमिनियम डिस्क इज़ अटैच टू द स्पिंडल ऑफ द मूविंग सिस्टम एंड कम्प्लीटली समर्ज इन द डैम्पिंग ऑयल इन अ पॉट द मोशन ऑफ द डिस्क इज ऑलवेज अपोज बाय अ फ्रिक्शनल ड्रैग ऑन द डिस्क दिस फ्रिक्शनल ड्रैग इज जीरो वेन द डिस्क इज स्टेशनरी एंड इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द डिस्क फॉर इंक्रीज डैम्पिंग वेन्स इन अ वर्टिकल प्लेन्स कैरिड ऑन अ स्पिंडल एंड इमर्ज इन ऑयल आर यूज फ्लूड फ्रिक्शन डैम्पिंग कैन ऑल्सो भी यूज इन द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज इन कैन ऑनली भी यूज इन द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज इन वर्टिकल पोजिशन फ्लूट फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या हो रहा है कि जो मूविंग सिस्टम है उसके साथ में एक पिस्टन लगा हुआ है या लाइट एल्यूमिनियम की डिस्क है जो कि एक इंसुलेट जो कि ऑयल के अंदर मूव करती है जो कि एक पॉट के अंदर भरा हुआ है तो जब मूविंग सिस्टम मूव करेगा तो ये डिस्क इस ऑयल के अंदर मूव करेगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से डैम्पिंग प्रोड्यूस होगी फ्लूट फ्रिक्शन डैम्पिंग जनरली वर्टिकल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होती है आज के इस लेक्चर में हमने इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कि वर्किंग के लिए जो तीन तरह के टॉक ज़रूरी होते हैं वो डिस्कस करें थैंक यू